मैंने बहुत बार लोगों को देखा है बर्ड चार्ट पढ़ते हुए. रीडिंग अ बर्ड चार्ट इज़ अ एन आर्ट इन इट सेल्फ. किसी भी बर्ड चार्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है, प्रॉपर पैटर्न होता है कि आप उस पैटर्न को फॉलो करें तब आप पढ़ सकते हो. देखो, आपने कितनी भी राशियाँ समझ ली हो, लॉर्डशिप समझ लिया हो, प्लैनेट समझ लिया हो, नक्षत्र कस्प केपी पद्धति समझ लिया हो, गंधनता समझ लिया आपने, आपने सैट डिविजनल चार्ट समझ लिए, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इतना कुछ है पढ़ने को कि आप मतलब अब अगर आप अनकवर करना स्टार्ट करो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. रियलिटी इज़ कि बर्ड चार्ट पढ़ने का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर पैटर्न होता है. आप उस पैटर्न पे अगर बर्ड चार्ट को पढ़ते हो तो हमेशा आपको मिसगाइड नहीं होना पड़ता है. हमेशा आपके जो पॉइंट्स होते हैं, जो आप चल रहा होता है आपकी लाइफ में, वो उभर के सामने आता है. सो इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसको फॉलो करें तो आपको बर्ड चार्ट रीड करने में बहुत आसानी पड़ेगी. सो पहली चीज़ जो है, आपको ये रखना है कि आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं रखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मेरा बच्चा होगा नहीं होगा, मेरी कितनी शादियाँ होंगी, मेरा ब्रेकअप होगा, पूर्व जन्म का कर्म क्या है मेरा, मैं पिछले जन्म में क्या था, ये सारी चीज़ें भूल जाओ. अगर दिमाग में कुछ है तो उसको साइड में रखो. आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए जब आप बर्ड चार्ट पढ़ते हो. क्लीनिंग द माइंड इज़ द फर्स्ट थिंग टू रीड अ बर्ड चार्ट. आपके क्वेश्चन, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो और सामने वाला कुछ पूछ रहा है, तो इनफैक्ट उसके बातों पे भी ध्यान मत दो. रीज़न बीइंग, प्लैनेट्स अपने हिसाब से चलते हैं, आपके हिसाब से नहीं. प्रश्न कुंडली में लोग बोलते हैं कि हाँ, पहले आप जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उस समय देखो कि प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पे, उस समय की कुंडली बनाओ. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, तो पहले बर्ड चार्ट उठाना है, क्वेश्चंस भूल जाओ आप. नेक्स्ट थिंग जो आपको देखनी है, वो देखनी है कि प्लैनेट्स ट्रांजिट कहाँ पे कर रहे हैं. जिस प्लेस पे ट्रांजिट कर रहे होंगे उस प्लेस पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, और कहीं इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा आपको. सपोज आपका 12th हाउस में कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, निश्चित है लिटिगेशन में आपको इन्वॉल्व करेगा करेगा, निश्चित है कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व करेगा, कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ आएंगे आएंगे आपके लोगों के साथ. तो ये चीज़ जो है, इसको मैप आउट करने का तरीका है, सबसे पहले आप ट्रांजिट देखो. और जो अगर आपसे कोई फोर्सफुली पूछता है कि क्या ये वही लड़का है जिससे मैं शादी करूँगी, या फिर ये वही लड़की है जिससे मैं शादी करूँगा, हाथ जोड़ लो. बिकॉज इट्स बेटर टू बी प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर. इसका लिटरली यही मतलब होता है. लोग कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, लोगों का कोई भरोसा नहीं होता, वो कुछ भी पूछ सकते. इनफैक्ट आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा कि ये सारी चीज़ें देख के देखते हैं, बट द रियलिटी इज़ प्लैनेट अपने हिसाब से चल रहा है, वो आपके क्वेश्चन का इंतज़ार नहीं कर रहा है. तो बेस्ट वे टू रीड अ बर्ड चार्ट इज़ फर्स्ट क्लियर योर माइंड विदाउट एनी, मतलब आपका जो माइंड है विदाउट एनी क्वेश्चन रहना चाहिए. जब आप बर्ड चार्ट पढ़ते हो तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ मत पढ़ो उसको, सबसे पहले तो आप अपना दिमाग क्लियर करो. नेक्स्ट थिंग जो आप लुकआउट करोगे, वो ट्रांजिट को लुकआउट करोगे. लेकिन ट्रांजिट से पहले, ट्रांजिट से जस्ट पहले, आप इससे पहले कि ट्रांजिट को पढ़ो, आप देखो कि सन, सूर्य की पोजीशन क्या है. बर्थ चार्ट में सूर्य कहाँ पे बैठा हुआ है, जहाँ पे भी सूर्य बैठा होगा वो हाउस, वो एक पर्टिकुलर हाउस आपकी ज़िंदगी का फोकस बन जाता है, फोकल पॉइंट बन जाता है. जैसे सोलर सिस्टम सन पे टिका हुआ है, आपके लाइफ का जो सिस्टम है ना, आपके बर्थ चार्ट में आपके सन पे टिका हुआ है. सेवेंथ हाउस में सन है तो लोगों पे टिका हुआ है. अब राशि क्वालिफाई करती है उस हाउस को. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपके सेवेंथ हाउस में टॉरस है. टॉरस का मतलब होता है होल्ड करना, ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ को टच करना, फील करना. तो सेवेंथ हाउस में अगर आपका सन है तो क्लिकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ पीपल, लुकिंग एट पीपल, होल्डिंग पीपल, लोगों को होल्ड करना, ये सब आपकी ज़िंदगी का धर्म बन गया. आप उस ग्रेविटेटेड हो उस जगह पे. आपको 10 लोगों के बीच में रख दिया जाए तो आप लोगों को देखते रहोगे. सपोज़ यहाँ पे जेमिनाई है, आपके सेवेंथ हाउस में जेमिनाई है, और जेमिनाई में आपका सन पड़ा हुआ है, तो लोगों पे चिल्लाओगे आप, लोगों को एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के, लोगों के बिहेवियर को गाइड करोगे आप. बिहेविंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हेयर. सपोज़ आपका सेवेंथ हाउस में कैंसर है और वहाँ पे आपका सन बैठा हुआ है, तो
तो लोगों को क्लब करोगे, मीटिंग, जनरल मीटिंग जो कहते हैं, मीटिंग बैठाओगे, पंचायत बैठाओगे, पंचायत बन जाओगे आप, लोगों की पंचायत कराना आपका धर्म बन जाएगा। सपोज यहाँ पे लियो है, लियो मीन्स क्रिएटिंग फायर, लियो मीन्स क्रिएटिंग रेगुलेशन, तो लोगों को रेगुलेट करना कि कोई क्या काम कर सकता है क्या काम नहीं कर सकता है, ये आपका धन बन गया। तो सूर्य की स्थिति को एनालाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब बन जाता है आपका। 12th हाउस में सन आपका, तो 12th हाउस बिकम्स द सेंटर ऑफ योर लाइफ। सेंटर ऑफ लाइफ ढूंढो सबसे पहले, सबसे पहले आप सेंटर ऑफ लाइफ ढूंढो, उसके बाद जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, तो सन से सनलाइट चली और प्लैनेट्स रिफ्लेक्ट करते हैं इसको। रिफ्लेक्ट कहाँ करेंगे, तो अर्थ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। आप मार्स को देख पाते हो क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, नहीं देख पाओगे अगर नहीं रिफ्लेक्ट करेगा तो। तो सनलाइट सूर्य से चली, आपकी कुंडली में देखो सन से सनलाइट चली, और हर एक प्लैनेट एक्सेप्ट राहु केतु, राहु केतु का काम होता है इस सनलाइट को डिस्टर्ब करना। तो आपका जो सनलाइट है वो डिस्टर्ब कहाँ पे है, बस आपको ये देख लेना है। तो राहु केतु बताता है कि सनलाइट डिस्टर्ब कहाँ पे है, बाकी प्लैनेट्स बताते हैं कि वो रिफ्लेक्ट कहाँ कर रहे हैं उस प्लैनेट के सन के सनलाइट को। तो सैटर्न सबसे पहले आप देखो कि सैटर्न कहाँ पे पॉजिटेड है, मार्स कहाँ पे पॉजिटेड, ये सब आउटर प्लैनेट्स हैं, ये आउटर इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंस बाहर से आता है। जुपिटर कहाँ पे है, गाइडेंस मिलता है जुपिटर, जुपिटर जहाँ पे भी होगा वो गाइड करेगा आपको। 11th हाउस में और 7th हाउस में आपका सन है, तो आपके फ्रेंड्स, आपके साथ जो रह रहे लोग हैं उनको गाइड करेंगे। सपोज आपका सैटर्न 6th हाउस में और सन 12th हाउस में, तो लोगों को काम करवाना आपका कर्म बन गया। 12th हाउस मीन्स लोग क्या कर रहे हैं, 6th हाउस मीन्स आप क्या कर रहे हो, तो आपका कर्म बन गया कि लोगों से काम करवाना है। 12th हाउस बिकम्स द सेंटर ऑफ योर लाइफ, किसी से पानी भरवाना। हर आदमी का एक पर्टिकुलर स्टेटस होता है कि वो क्या काम करेगा, इंजीनियर का काम होता है बिल्डिंग बनाना, तो किसी आदमी से काम करवाना, दैट बिकम्स द सेंटर ऑफ योर लाइफ। हाउ, तो बाई मेकिंग, मतलब बाई डूइंग योर वर्क। तो इस तरीके से आपको पहले प्लैनेट्स की पोजीशन को एनालाइज करना है कि प्लैनेट पॉजिटेड कहाँ पे हैं। सन क्या है, ओरिजिनेटर है, सन है आपका सेंटर ऑफ योर बर्थ चार्ट, बाकी प्लैनेट्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको फिर ये समझना पड़ेगा कि वो ट्रांजिट कहाँ कर रहे हैं। अब जहाँ पे भी ट्रांजिट करेंगे ना, सनलाइट को वहीं पे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अच्छा आप लोग में से बहुत लोग मेरे को बोलते हो लॉर्डशिप आप क्यों नहीं कंसिडर करते, तो मेरे को लॉर्डशिप का समझ में नहीं आता कि हाउ दे असाइंड द लॉर्डशिप्स। 1-8 का मार्स को दे दिया, 2-7 का वीनस को दे दिया, कैसे दे रहे हो आप? मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मुझे समझ में नहीं आता ये चीज़। मैंने अभी तक एस्ट्रोलॉजी में जो भी पढ़ा है उसका मैं बैकअप रखता हूँ, कोई अगर लॉजिकली कुछ काउंटर पूछे तो मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन लॉर्डशिप्स का कोई काउंटर नहीं है मेरे पास। और बीइंग वेरी फ्रैंक विथ यू, मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है लॉर्डशिप डजेंट वर्कआउट इन ट्रांजिट्स। ट्रांजिट में आप लाख अपना दिमाग लगा लो, वो वर्कआउट नहीं करता है। तो लॉर्डशिप्स को अपार्ट रखना है। दूसरी बात मैं और बोलूँगा आपको कि डिग्री ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट की जो डिग्री है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। जिस डिग्री पे पॉजिटेड है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिर उस हाउस का जो एक प्लैनेट जहाँ पे भी पॉजिटेड होगा ना उस हाउस को डिफाइन करेगा। अगर कम डिग्रीज में है तो उस हाउस की क्वालिटीज़ को कैरी नहीं कर पाएगा वो। दैट्स ओनली द पॉइंट विथ डिग्रीज। डिग्री ऑफ प्लैनेट सिर्फ इतना बताता है कि ये प्लैनेट आपकी उस हाउस की क्वालिटीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सो वो आस्पेक्ट वो लूज़ कर देता है, तो डिग्री बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपको देख लेना है कि सारे प्लैनेट्स कहाँ कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं। जब ये ट्रांजिट आपका कंप्लीट हो जाए तब आप महादशा, चरदशा और योगिनी दशा देख लो, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखना, यही आपको बता देंगे कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। एंड रिमेंबर, हमेशा याद रखना कि लॉर्डशिप्स आपको साइड में रख के चलनी है, लॉर्डशिप्स को आपको कंसिडर नहीं करना है ड्यूरिंग ट्रांजिट। आपको बोलेंगे कि 6-8 का स्वामी किसी भाव में गया तो 6-8 पे इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ेगा। आई एम क्वाइट श्योर नहीं पड़ेगा, क्वाइट क्या, आई एम 100% श्योर कि नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ आई एनालाइज बर्थ चार्ट, एंड ये एक पैटर्न है। सबसे पहले आप
भूल जाओ कि आपके आपने कुछ आपके जो भी क्वेश्चंस आप उसको भूल जाओ. क्वेश्चंस विल नेवर लेट यू रीड अ बर्थ चार्ट परफेक्टली. परफेक्टली तो गलत ही बोलूँगा बट क्वालिटेटिवली. उसके बाद आप देखो सन का पोजिशन कहाँ पे, फिर देखो कि प्लैनेट्स पॉजिटेड कहाँ कहाँ पे, फिर देखो कि ट्रांजिट कहाँ कहाँ कर रहा है. ट्रांजिट के बाद देखो कि दशा किस चीज़ की चल रही है. दशा बताती है आप कौन हो. महादशा बताएगी कि आप क्या हो. और अंतरदशा बताएगी कि आप कर क्या रहे हो. सो दशा पे भी मैं अभी आने वाले समय में वीडियोस बनाऊंगा. बट दिस इज़ हाउ यू शुड रीड अ बर्थ चार्ट. आप कमेंट करके बताओ कि आपको आप कैसे रीड करते हो बर्थ चार्ट को, और मैं उसमें फिर आपको अपने सजेशंस दूंगा कि हाउ यू शुड रीड योर बर्थ चार्ट. एंड फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब.